देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज अध्यक्ष एमसी देवसर और एएसओ ने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ खानबरन देवर में प्रसिद्ध माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर का दौरा किया और अध्यक्ष एमसीडी देवसर मुस्ताक अहमद भट्ट ने पंडित समुदाय को मेला खेर भवानी के दौरान पंडित समुदाय को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया। सभी विभागों ने इसमें भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम थे। इसको ये जो देवदार के पेड़ है पीछे ये खिसक जाती है जमीन जब बारिश पड़ती है, तो पिछले साल भी मैंने एलजी साहब को रिक्वेस्ट की थी कि इसका वो प्रोटेक्शन वॉल पीछे से होना चाहिए। इसका एस्टिमेट भी आरएनबी ने सबमिट किया है, तकरीबन 2.5-3 करोड़ का वो एस्टिमेट है। तो मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के इंतजामिया को, खासकर डीसी साहब कुलगाम को, एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इसकी नीड है, ये बॉन्ड मस्ट जरूरी है इस मंदिर के लिए और ये जो देवदार के जो पेड़ है इनको बचाने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी हमने जो कागजात देने थे पूरे सबमिट किए हैं, वो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हाउसिंग एंड अर्बन के, उसके पास है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि इसके लिए वो फंडस वागुजार कराए ताकि इसकी जो ये खूबसूरती है ये बची रहे। क्या मैसेज रहेगी आपको श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धालुओं के लिए यही मैसेज है कि यहाँ ये जो ये मंदिर है, खनबरनी का मंदिर कहा जाता है इसको, ये टेंपल बहुत पुराना है, यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते थे, लेकिन हालात की वजह से पिछले साल भी कम ही आए थे, इस साल भी कम ही है, लेकिन यहाँ पे 4,000-5,000 श्रद्धालु आते हैं। हालात की वजह से थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनकी हाजिरी रहती है। तो मैं इनको यही आश्वासन देता हूँ कि जो भी यहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मेरे तक होगा, तो मैं वो इनको प्रोवाइड करता हूँ।